Good morning, students. Today we have to discuss graphical representation of motion. ठीक है, आज जो है हम लोगों को motion का graphical representation को देखना है. इसमें सबसे पहले जो graphical representation आता है उसमें सबसे पहले है distance time graph. ठीक है, तो जैसे कि motion को कैसे हम लोग graphical represent करेंगे, graph में कैसे इसको represent करेंगे, उसी को सीखना है. उसमें सबसे पहला topic है distance time graph. सबसे पहला topic का नाम है इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो देखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम शॉर्ट में एसटी ग्राफ भी बोलते हैं. ठीक है, एसटी ग्राफ, इसको लिख लीजिए एसटी ग्राफ. ठीक है, एसटी ग्राफ बोले तो डिस्टेंस, एस फॉर डिस्टेंस, और कभी कभी इसका नाम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं. जब डिस्प्लेसमेंट किसी भी जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तो उसको स्पेशल केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं. यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों सेम होगा उस वक्त जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो ये एसटी ग्राफ है ना. एसटी ग्राफ के बारे में सीखते हैं. देखिए, एसटी ग्राफ जो है, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसको अगर देखा जाए एक एग्जाम्पल से, इसमें तीन तरह का एसटी ग्राफ होगा. एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक क्या होगा जी, जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन पर देखते हैं. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम सबसे पहला जो है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है तीन तरह का होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, और तीसरा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज इट रेस्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. ठीक है, इसका भी ग्राफ हमको देखना है. ठीक है, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो तीन तरह का होगा, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे तो, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे तो उसका भी ग्राफ है और एक यूनिफॉर्म मोशन. अब देखा जाए यूनिफॉर्म मोशन के बारे में चेक करते हैं. यूनिफॉर्म मोशन का पहला अगर बोले हम कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से चलना शुरू करता है. ठीक है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और वो बी पॉइंट पर जाता है. ठीक है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, बी पॉइंट पर जाता है, यहाँ से यहाँ जाने में टी इक्वल टू वो 1 सेकेंड लेता है. ठीक है, कितना सेकेंड लेता है, 1 सेकेंड, और जो डिस्टेंस उसने तय किया वो 10 मीटर के डिस्टेंस को तय करता है. ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशनशिप को बताता है. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर लिखना चाहते हैं इसमें, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट पोजीशन ड्यूरिंग टाइम पीरियड. ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या पोजीशन के अंदर चेंजिंग आता है. ऑब्जेक्ट जो है अभी 1 सेकेंड में जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस को तय करता है, फिर अगला जो 1 सेकेंड की डिस्टेंस है वो क्या करता है जी, वो भी 10 मीटर का डिस्टेंस ही तय करता है. यानी ए से बी गया और बी से सी जा रहा है. ठीक है, और फिर सी से अगर डी हो जाता है तो हम कहेंगे कि अगला वो 1 सेकेंड लेता है 10 मीटर के डिस्टेंस को तय करने के लिए. इससे पता ये चलता है कि वो हर 1 सेकेंड में उसने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना तय किया थी, 10 मीटर का डिस्टेंस तय करता है. और ये जितना भी चीज बारे में बात कर रहे हैं सब के सब स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, जितना भी बारे बात हो रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और किसके लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में ही बात हो रही है, जिसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, या फिर लीनियर मोशन इसको बोलते हैं, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं. तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके बारे में बात हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए बात हो रहा है. ठीक है, इसको आप लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ ये बात हो रहा है. तो देखिए स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में जो है लीनियर मोशन में मूव कर रहा है. अभी ए पर है, बी पर गया, 1 सेकंड लिया, 10 मीटर डिस्टेंस को तय किया, और फिर बी से सी गया, 1 सेकंड लिया, 10 मीटर डिस्टेंस को तय किया, और फिर सी से डी गया, 1 सेकंड लिया, 10 मीटर डिस्टेंस को तय कर रहा है. इसका मतलब है कि हर 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस को तय कर रहा है जी, हर 1 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस को तय कर रहा है. इसका मतलब ये है इसका स्पीड क्या है जी, फिक्स है, कॉन्स्टेंट है.
क्या जी, हर एक सेकंड में जो है इसका जो डिस्टेंस का तय करने का जो रेशियो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलेंगे। क्या जी, ये यूनिफॉर्म मोशन किसका, ये किस इसका जो है एग्जांपल है, ये यूनिफॉर्म मोशन एक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन जो है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसको देखा जाए, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ को अगर हम बोलते हैं, इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखा जाए, अगर हम क्या करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आसानी के लिए हम टाइम को क्या करते हैं वो एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है। टाइम को क्या करते हैं जी, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। हमने बोला कि ये हमारे पास टाइम है, ठीक है, जिसको हम टी से डिनोट किए हैं, और ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले हम बोल दिए एस टी जो है ग्राफ है, तो ये एस से हम डिनोट किए हैं डिस्प्लेसमेंट को या फिर डिस्टेंस को, ठीक है। एस बोले तो हमको हमेशा याद रखना होगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उस वक्त होगा जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि यहाँ पर कि जो है हर एक सेकेंड में है ना वो 10 मीटर डिस्टेंस को तय किया है, तो इसके हिसाब से हम बोले कि यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है और यहाँ पर चार है, ठीक है। और यहाँ पर उसने 10 और यहाँ पर ये 20 और यहाँ पर ये 30 और यहाँ पर 40, ठीक है। तो हमने बोला कि जब वो एक सेकेंड हो रहा था, टाइम किस में है, टाइम जो है सेकेंड में है, लिख दीजिए टाइम सेकेंड में है, ठीक है। और जो एस है एस इधर, एस किस में है जी, एस मीटर में, ठीक है। देखिए एस मीटर में है कि नहीं, तो जब देखें कि वो एक सेकेंड जब हो रहा था तो एक सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस को तय किया जी, तो एक सेकेंड बाद उसने बी पॉइंट पर गया है, 10 मीटर डिस्टेंस को तय किया है। तो हमको अगर देखें एक सेकेंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस को तय किया है, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। और फिर जो है अगला एक सेकेंड में यानी कि 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ हुआ, शुरुआती इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका ये है, तो यहाँ से यहाँ बी पॉइंट पर गया, 1 सेकंड लिया, फिर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो उसने 1 सेकंड लिया और 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड दिया है, और टोटल कितना डिस्टेंस तय किया, 10 और 10 20 मीटर के डिस्टेंस को तय किया है। तो 2 सेकंड में उसने 20 मीटर के डिस्टेंस को तय किया है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। उसी तरह हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ जाने में, डी पॉइंट तक जाने में कितना सेकंड लिया है जी, तो 3 सेकंड लिया है, और 3 सेकंड में 30 मीटर के डिस्टेंस को तय किया है। देखिए 30 मीटर में 3 सेकंड में 30 मीटर की डिस्टेंस को तय किया, ठीक है। ये लाइन सिर्फ समझाने के लिए हमने बनाया, समझा देते हैं, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ को मिलाते हैं तो हम देखते क्या है कि ये ग्राफ हमको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है, क्या मिलता है जी, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इस हिसाब से हमने ये तय कर लिया क्या चीज, इस हिसाब से हमने ये तय किया कि जो लीनियर मोशन का यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसके पास स्पीड फिक्स है यानी कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है, तब तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। हो सकता है कि वो ओरिजिन से पास हो सकता है ऊपर से पास हो, इस तरह से कुछ पास हो, लेकिन मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि एक चीज आप लोगों को क्लास 8 वगैरह में सिखाया गया था कि जो लीनियर ग्राफ होता है, जो लीनियर ग्राफ होता है और ऐसा ग्राफ जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। तो इस हिसाब से हम देखें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के भी ग्राफ है। खैर समझाने के लिए बस थोड़ा सा एक टॉपिक तो बता दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, लेकिन फिलहाल हमको अगर याद रखना है तो क्या याद रखेंगे, कहेंगे कि लीनियर मोशन का ग्राफ, लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन का ग्राफ, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ चेक कर रहे हैं तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, चाहे हो सकता है ओरिजिन से पास हो या कोई दूसरे जगह से पास हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। लीनियर मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लीनियर मोशन ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, लीनियर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, ये किसका ग्राफ है जी, ये लीनियर मोशन का ना स्ट्रेट लाइन का मोशन का ग्राफ है और उसमें ये यूनिफॉर्म का है, तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक नंबर था, इसको मिटा देते हैं, फिर अगला देखते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं हम, उसके बाद अगला देखते हैं हम क्या होता है, इसको देखिए। अगला है आपको क्या जी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अगला क्या जी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये 2 नंबर में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा नंबर है क्या जी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको देख लीजिए। अगर हम बोले कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा है, इसको देखा जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी
वेलोसिटी फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, या तो घटते क्रम में चेंज कर रहा है या बढ़ते क्रम में चेंज कर रहा है। उसका वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ रहा है, पहले 10 मीटर पर सेकंड था, उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 30 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका वेलोसिटी चेंज करते रह रहा है ना, लगातार चेंज कर रहा है, बढ़ते क्रम में चेंज करे या घटते क्रम में चेंज करे, ठीक है। तो जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग होता है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। पिछले वीडियो में है, इसको आप जाके देख सकते हैं वहां से। तो हम बोल रहे हैं कि एग्जांपल इसके लेते हैं, बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर है, ठीक है, एक एक पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है ना, और वो बी पॉइंट पर जाता है, या फिर जो है हम दूसरा एक जो है डाटा ही हमको दिया हुआ है बुक में, उस डाटा को ही हम लिख देते हैं, ठीक है। हम डाटा जो दिया हुआ उसी को लिख देते हैं। देखिए ये डाटा दिया हुआ है, हम पेज नंबर बता देते हैं आपको, ठीक है। ये पेज नंबर जो है आपको 104 का ये डाटा है जिसको हम लिख रहे हैं। दिया हुआ है टाइम, दिया हुआ है और जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। इधर को टाइम दिया हुआ है, इधर को डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। इधर को टाइम, इधर को डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, है ना, और डिस्टेंस दिया हुआ है आपको किस में, मीटर में दिया हुआ है। डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। इस डाटा को लिखते हैं, है ना। ये दिया हुआ है हमको, ये जीरो दिया है, ये जीरो दिया है, ये दो दिया है, ये वन दिया है, ये यहाँ पर चार दिया है, यहाँ पर चार दिया है, और यहाँ पर छह दिया है, छह दिया है, उसके बाद यहाँ पर कितना दिया जी, नाइन दिया है, ठीक है। एट पर कितना है जी, तो एट पर 16 है। उसके बाद से 10 पे कितना है, तो 10 पर ये 25 है, और फिर 12 पे कितना है, तो ये 36 है, ठीक है। इस तरह से डाटा दिया हुआ है। अब इसको बोल रहा है कि आप इसको टेबलेट कीजिए, टेबलेशन तो दिया हुआ है, बोले इसे ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो अगर इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसको देखा जाए कैसे मिलेगा। देखिए हमने बोला कि अपने कन्वीनियंट के लिए कि इधर की तरफ टाइम रहेगा, ठीक है। टाइम को हमने क्या किया, सेकंड से डिनोट कर दिया, टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड लिख दिए। और इधर की तरफ जो रहेगा आपको क्या रहेगा जी, इधर की तरफ डिस्टेंस रहेगा, जिसको हमने एस जो है एस से डिनोट किया था, तो एस से हम डिनोट करते हैं तो मीटर में है, इधर की तरफ है, ठीक है। ये बात हम कर रहे हैं। अब देखा जाए कि जब टाइम यहाँ पर टाइम जो है इधर की तरफ, हम टाइम नहीं है, टाइम की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 12 है, तो हम क्या करते हैं, 2 2 करके ले लेते हैं, 2 2 करके लेते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं यहाँ पर ये 2 है, ये 4 है, और ये कितना है जी, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये 1 से लेकर 36 तक है, तो 1 से लेकर 36 तक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम हो सकता है कि 5 5 का ले लिया जाए, है ना, 5 5 का ले लिया जाए। तो अगर हम 5 5 का लेते हैं, 5 5 का, तो देखते हैं कहाँ जाता है। चलिए हम कहते हैं कि 5 ये है, और ये हमारे पास कितना जी 10 है, और ये कितना है 15 है, और ये कितना है 20 है, और ये कितना है 25 है ना, और ये कितना है जी, ये 30 है ना। इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हम बोल रहे हैं कि ये जो है आपको 30 है, तो ये आपको 35 मिलेगा, है ना, और ये डिस्टेंस है जो मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब देखा जाए, बोल रहा है कि जब जीरो टाइम रहता है, इस ग्राफ से आपको नॉन इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा पूरा क्लियर तरीके से। ये जीरो जब टाइम, जीरो टाइम रहता है तो डिस्टेंस उसका कितना है, जीरो है, यानी कि ये जीरो जीरो है, यानी कि जब जीरो टाइम रहता है तो डिस्टेंस उसने कुछ तय ही नहीं किया है, यानी क्या हुआ कि वो रेस्ट में मौजूद है, ठीक है। तो जीरो पर जीरो मिल गया। जब उसका जब वो टाइम 2 सेकंड रहता है तो उसने डिस्टेंस कितना तय किया, 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया है, तो 2 सेकंड तो ये है, तो 1 मीटर कुछ यहाँ पर होगा, तो इसको हम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 5 मीटर है, तो 1 मीटर यहाँ पर होगा, हमने अंदाजा ले लिया। जब टाइम 4 सेकंड रहता है तो डिस्टेंस उसने कितना तय किया है, तो 4 सेकंड पे वो डिस्टेंस है कुछ 5 से कम रहेगा, तो हम ले लेते हैं ये हमारा 5 सेकंड, 4 सेकंड ये हो गया, ये 5 से कुछ कम है। उसके बाद जब टाइम 6 सेकंड रहता है तो डिस्टेंस कितना तय किया है, 6 सेकंड पे 9, तो इससे कुछ थोड़ा कम रहेगा, है ना, और ये यहाँ पर चला आएगा, हम इसको यहाँ ले लेते हैं। उसी तरह अगर बोले टाइम 8 सेकंड आता है तो 16 जो है मीटर डिस्टेंस को तय करता है, 8 यहाँ पर है तो 8 के जो है 16 कुछ इस 15 से ऊपर होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम कहते हैं जब 10 सेकंड आता है तो डिस्टेंस 25 मीटर है, तो जब 10 सेकंड है तो 10 सेकंड पे 25 मीटर, ये हमारे पास 25 मीटर है, तो हमने क्या किया 10 सेकंड पे जो है यहाँ पर ले लिया। उसी तरह जब 12 सेकंड रहता है तो 36 जो है मीटर डिस्टेंस को तय करता है, 12 मीटर पर 36 बोले तो इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। जब इसको मिलाइएगा
तो एक कर्व मिलेगा भैया आपको, देख लीजिए, देखिए यहाँ पर कर्व मिल जाएगा, जब इसको मिलाइएगा तो एक कर्व मिलेगा जो इस तरह से रहेगा, ठीक है, जब भी इसको मिलाइएगा तो एक कर्व मिलेगा, आप देख लीजिए। तो ये जो कर्व है, ये कर्व बता रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो किसमें होगा जी, कर्व होगा, ठीक है, और ये कर्व जो है ऊपर की तरफ रहेगा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है तो कर्व इधर भी फैल सकता है इस तरफ, ठीक है, देखिए इधर की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है ना, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बात समझिए, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी पॉजिटिव होता है, बढ़ता ही जाता है। डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नजर आएगा, डिस्टेंस यहाँ पर पॉजिटिव है ना, डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, तो अगर ग्राफ कुछ कहे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, और नहीं तो ये अगर होना होगा इधर इस साइड नहीं होगा, इस साइड ग्राफ कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इधर की तरफ जो टाइम है वो नेगेटिव टाइम की तरफ इशारा करेगा, क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव नहीं है तो इधर नेगेटिव टाइम नहीं है, तो नेगेटिव टाइम तो होता ही नहीं, इसलिए ग्राफ इधर को नहीं जाने वाला, और ग्राफ जाना भी होगा तो इधर को जाएगा, वो इधर को जाएगा, क्यों इधर जा सकता है, वो इसलिए इधर जा सकता है कि इधर की तरफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऊपर रहेगा हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, इधर कोई ग्राफ नहीं होने वाला। तो एक चीज ध्यान में रखें, क्या चीज, अभी अभी हम देखें कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि एसटी ग्राफ जो हम बात करें, एसटी ग्राफ, तो एसटी ग्राफ जो है अगर हम बात करें तो एसटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और एसटी ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व इन एक्स वाई प्लस पॉजिटिव एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है उसी में आपको मिलेगा, ठीक है, एसटी ग्राफ का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या मिलेगा जी, कर्व मिलेगा। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, इसको नोट्स में इसको लिख लेते हैं, इसको आप जो है इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, है ना, आप इसको इतना उतार लीजिए और हम नोट्स में लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर नोट्स में लिख देते हैं, अब इसको उतार लीजिए, फिर आपको जो है नोट्स में लिख देते हैं, मिटा दें इसको, इसको मिटा करके नोट्स में लिख देते हैं, चाहे यहाँ पर जगह यहीं लिख देते हैं, बोल रहे हैं नोट्स में कि एसटी ग्राफ है ना, नोट्स में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि एसटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एसटी ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा जी, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये बात समझ में आया। और फिर ये एक नंबर था, दूसरा नंबर देखिए, एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ क्या मिलेगा, फॉर किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो एसटी ग्राफ कैसे मिलेगा जी, कर्व मिलेगा, ठीक है, कर्व मिलेगा आपको, इस तरह का कर्व मिलेगा आपको, ठीक है, तो आप देख लिए ये दो चीज, अब नोट्स में इसको हमेशा याद रखेंगे। अगला है ऑब्जेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं हम, एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे आगे, चलिए पहले ऑब्जेक्टिव इंडेक्स को देख लीजिए, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे तो क्या होगा, ठीक है, उसका ग्राफ एसटी ग्राफ में कैसा होगा, तो तीसरा नंबर है ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है, अगर रेस्ट में रहे तो क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहता है तो हम आपसे बोलेंगे उसका पोजीशन में कुछ चेंजिंग आता है क्या, कोई चेंजिंग नहीं आता है, क्या जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो अगर इसका ग्राफ के बारे में बात करें तो अगर हम बोले कि ये जो है हमारे पास इधर की तरफ टाइम है, ठीक है, इधर की तरफ टाइम है जो कि सेकंड में दिया हुआ है, इधर की तरफ जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है, और इधर की तरफ जो है वो एस है यानी डिस्टेंस है जो कि मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम बोले आपसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में मौजूद है और उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो हम बोले कि इधर एक सेकेंड है, ठीक है, ये यहाँ पर दो सेकेंड है, ये तीन सेकेंड है, ये चार सेकेंड है, ठीक है, और वो जो है वो रुका हुआ है यानी रेस्ट में है, तो हम बोलेंगे कि उसने कुछ पहले से दूरी तय किया है, मान लीजिए यहाँ पर वो रुका हुआ है तो 5 मीटर के डिस्टेंस पर वो रुका हुआ है,
तो अगर हम देखेंगे कि एक सेकेंड में उसका जो है डिस्टेंस कितना तय किया है, तो एक सेकेंड में उसका डिस्टेंस अभी कितना है, तो 5 मीटर रुका हुआ है, तो कहीं नहीं जा रहा है, वहीं पर है। फिर अगर पूछेंगे कि अगला जो है अगला एक सेकेंड में यानी कि शुरू से लेकर 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस उसने तय किया है, तो अभी भी वहीं पर रुका हुआ है, ठीक है। और फिर पूछेंगे अगला 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय किया, तो अभी भी वहीं पर रुका हुआ है। तो इस हिसाब से हमको तो नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। हम पहले ही बताए हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन का ग्राफ जो होगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, वो तो बात है ही। लेकिन इसमें क्या है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो हमने देखा है कि हर एक सेकंड में उसने डिस्टेंस 5 मीटर जितना पहले शुरू में तय कर लिया था उतना ही पर है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही मिला, नजर आएगा ये भी स्ट्रेट लाइन ही मिला, लेकिन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए वो हमेशा जो है वो क्या है, रुका हुआ है, तो 3 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना तय किया, उतना ही किया, 4 सेकंड में उतना डिस्टेंस तय किया, यानी कि जितना था पहले उतना ही है, वो रुका हुआ है, वो कहीं गया ही नहीं, तो हर एक सेकंड में उसका डिस्टेंस अभी फिक्स उतना ही है, जाकर रुक गया था उतना ही है। तो हमने देखा क्या कि जो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ही रहता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के साथ साथ क्या रहेगा, वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसको याद रखेंगे, एक्स एक्सिस ये है ना जी, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कहेंगे ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ठीक है। इसमें लिख देते हैं यहाँ पर नोट्स में, तीसरा जो नोट्स है उसी में लिख देते हैं कि ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन बट पैरेलल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगा, ये नोट तीसरा नोट है, चलिए हो गया। इसमें एक चीज ध्यान देना है, क्या चीज उसको बता देते हैं, चलिए तीनों ग्राफ को पहले हम ड्रॉ करते हैं एक साथ, ठीक है, फिर आपको बताते हैं कि क्या इसमें हमको बताना है। चलिए पहला है आपको यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, ठीक है, हम बोला है यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, तो ये रहा हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, ये यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, हमेशा याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन जैसे ही आएगा, यूनिफॉर्म मोशन ऐसे ही आएगा, और एस टी ग्राफ के बारे में जिक्र करेगा, किसके बारे में, एस टी ग्राफ के बारे में, ये एस है और इधर टी है, ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही होगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन किसका है, ये एस टी ग्राफ, क्या है जी, ये एस टी ग्राफ, एस टी बोल दो डिस्टेंस टाइप ग्राफ है, तो ये इसका टाइम मिला, ठीक, अगला चलते हैं, ये एक नंबर था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए दो नंबर, ठीक है, दो नंबर में हम बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा है जी, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा है, ये कर्व है ऐसे है, ठीक है, और हमने बोला कि ये इधर तरफ टी है और इधर तरफ एस है, ये चीज हमेशा याद रखेंगे, है ना, ऐसे एरोस में दिखा देंगे कि ये इस तरफ बात कर रहा है, ठीक है, उसके बाद से ये किस ग्राफ है, तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, किसके ग्राफ है जी, तो ये एस टी ग्राफ है, इसको हमेशा याद रखेंगे, एस टी ग्राफ के बारे में बात हो रहा है, कभी कभी वीटी ग्राफ आएगा आगे, अलग ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो हो सकता है आगे वीटी ग्राफ मिले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलिए तीसरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल अब जो हम कह रहे हैं उसको देखिए, तो ये रहा हमारे पास किसका है, ये तो ये ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है, तीसरा नंबर का, ठीक है, किसका है ये, तो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ये भी है ना, इधर की तरफ ये टी है, इधर की तरफ ये एस है, ठीक है, ये इधर, उसके बाद ये किसका ग्राफ है, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके लिए है, तो ये जो है ये भी एस टी ग्राफ है, ठीक है, किसका ग्राफ है, ये एस टी ग्राफ है, एस टी ग्राफ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, चलिए ये बात आपको समझ में आए। इसमें एक चीज हमको बताना है, ये है कि स्लोप के बारे में बताना है, कि जो एस टी ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप बोले तो हम देखेंगे कि कितना वो तिरछा है, या फिर ऐसा हो सकते हैं आप घरों में सीढ़ी वगैरह है तो स्लोप बोला जाता है ना जी, ये स्लोप है, ठीक है, ऐसा स्लोप बनाया जाता है, ठीक है, ये स्लोप है ना जी, ये एंगल थीटा को चेक करते हैं, एंगल है ना, ये थी जो है ये क्या लीजिए, एंगल हो सकता है कि 45 डिग्री हो, तो 45 डिग्री का ये स्लोप है, तो उसी स्लोप के बारे में जिक्र करना है, तो ये स्लोप क्या बताता है, तो देखिए स्लोप जो है, अगर हम एसटी ग्राफ का स्लोप देखें, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, या फिर जो है आपको रेस्ट है उसको कोई दिक्कत नहीं है, हमको ग्राफ किस कैसा देखना है जी, एसटी ग्राफ, तो एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा वेलोसिटी देता है, कैसे देता है इसको देखिए, हम अगर बोलते हैं कि
T1 समय यहां पर है, T1 समय यहां पर है, ठीक है, और यहां से यहां T2 समय हो जाता है, ठीक है, T1 हमने बोला यहां से यहां T2 समय हो जाता है, और T1 समय में वो उसने कुछ डिस्टेंस को तय किया है, S1 डिस्टेंस को तय किया है, समझिएगा, और फिर T2 समय में यानी यहां से यहां जाने में कुछ समय लिया है, तो जाने में समय लिया है, तो उसने T2 समय, जब T2 समय हो गया तो उसने जो डिस्टेंस तय किया है वो S2 तय किया है, समझिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं हम कि वो T2 माइनस T1 यही तो टाइम इंटरवल हो गया, तो T2 माइनस T1 में वो कितना डिस्टेंस को तय किया है, T2 माइनस T1 में, तो कहिएगा T2 माइनस T1 ये टाइम है, क्या है T2 माइनस T1, क्या है ये टाइम है, यानी पूछेगा कि ये टाइम कितना लिया है, तो T2 माइनस T1 लिया, ठीक है, और डिस्टेंस कितना तय किया, तो कहिएगा कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना तय किया है, तो S2 माइनस S1 किया है, क्या है, क्या S2 यहाँ पर है और S1 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ S2 है और यहाँ से यहाँ S1 है, तो S2 में से ही S1 घटा दे तो ये मिलेगा, T2 यहाँ से यहाँ टाइम है बताए थे, और T1 यहाँ से यहाँ टाइम है, तो T2 में से T1 घटा देंगे तो ये टाइम मिलेगा, इस टाइम में इतना डिस्टेंस को तय किया है, यानी कि S2 माइनस S1 डिस्टेंस को तय किया। फिर आपसे पूछते हैं कि इसका स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप बोले तो tan थीटा अगर नहीं समझ में आता है तो स्लोप बोले तो समझिए P/B, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आपने देखा और क्लास 8 वगैरह में, P/B ये है परपेंडिकुलर, ये है बी, तो अगर हम इसके स्लोप के बारे में चेक करें यानी कि इस एंगल के बारे में चेक करना चाहते हैं कितना स्लोप है, तो हम कहेंगे कि इसका आप क्या निकाल दीजिए, P/B निकाल दीजिए, ठीक है, इसे क्या निकाल दीजिए जी, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या निकाल दीजिए, परपेंडिकुलर बाई बेस निकाल दीजिए, यही इसका स्लोप बनेगा, और कोई जैसे पूछे कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इक्वल टू में P/B, ये नोट्स में अगर लिखना चाहते हैं इतना चीज तो आप लिख सकते हैं, स्लोप हमेशा निकाला जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमसे पूछते हैं कि अगर आप बताइए कि जो ST ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, तो आप कहिएगा ना कि ST ग्राफ का जो स्लोप है अगर आप इसका निकालते हैं तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, स्लोप इक्वल टू में ये या जो है आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ जो है T2 और यहाँ से यहाँ T1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो कहिएगा स्लोप इक्वल टू में ये है हमारे पास क्या चीज, अगर हम ये हम कहें यहाँ पर ऐसे इसको एंगल बना दीजिए, इस तरह इसका एंगल था तो एंगल के सामने वाला ऊपर लिखे है ना जी P, है ना, तो उसी तरह हमें एंगल है, एंगल के सामने वाला हम लोग इसको लिखना है, तो ये क्या चीज है, तो ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, तो वही चीज तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो स्लोप इक्वल टू हम कहेंगे डिस्टेंस, है ना, या फिर ऐसा कह दीजिए S, ऐसा नहीं यहाँ से ये किसका ग्राफ है, ये इधर क्या है चीज है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे S है या फिर डिस्टेंस है, तो कह दीजिए इधर तरफ S और डिवाइडेड बाई नीचे की तरफ क्या कर दीजिए T, ये टाइम है तो T, यानी कि ये हमको S by T यानी डिस्टेंस बाई टाइम हमको क्या मिला जी, वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है जी, स्पीड होता है, तो हम कहेंगे स्लोप इक्वल टू में ये S क्या है जी, तो कहेंगे S इक्वल टू S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 जो डिस्टेंस तय किया है S2 माइनस S1, या फिर ऐसा समझ लीजिए स्लोप इक्वल टू आप डिस्टेंस डायरेक्ट लिख दीजिए डिस्टेंस और बाई टाइम लिख दीजिए, ठीक है, वही चीज हम बात कर रहे हैं S by T बोल तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस उसने कितना तय किया, तो डिस्टेंस उसने तय किया S2 माइनस S1 और टाइम कितना लिया है, तो कहेंगे T2 माइनस T1, यानी कि स्लोप कभी भी अगर डिस्टेंस बाय टाइम के बारे में हम बात करें तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू में S2 बाय S1, S2 माइनस S1, यानी कि S2 माइनस S1 क्या है, इस तरह का डिस्टेंस के बारे में जिक्र कर रहा है जिसको हम S कर दिए, T2 माइनस T1 एक तरह का टाइम के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिसको टाइम T कर दिए, तो V इक्वल टू S बाय T, तो हमको पता लगा क्या चीज, पता ये लगा कि जो स्लोप है स्लोप वो हमेशा वेलोसिटी के बारे में जिक्र करता है, किसका स्लोप, ST ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा वेलोसिटी के बारे में जिक्र करता है। उसी तरह ये तो ये हमने इससे बताया यूनिफॉर्म मोशन से इसको हमने समझाया कि जो स्लोप है ST ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा किसके बारे में जिक्र करेगा, तो वेलोसिटी के बारे में जिक्र करेगा। उसी तरह अगर इसका स्लोप हम जिक्र करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट पर हम इसमें स्लोप ड्रॉ कर देंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और इसका स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा है आपको, है ना। अगर इसका स्लोप बात करेंगे तो इसका स्लोप कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, कैसे स्लोप जीरो मिलेगा, इसका एंगल ही जीरो है, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल जीरो है, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब जीरो है, तो स्लोप इसका कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी स्लोप जब जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो गया, वैसे भी देख लीजिए जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कितना वेलोसिटी, जीरो है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है, है ना, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो है क्योंकि स्लोप जीरो, स्लोप जीरो इक्वल है ना, इसलिए वेलोसिटी भी जीरो, ठीक है, और यहाँ पर कुछ मिलेगा, यहाँ पर स्लोप है, ये क्या है कर्व है,
तो कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट जो किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको स्लोप मिलेगा, उसको स्लोप मिलेगा और कितना मिलेगा इसको जो है आपको 11th 12th के बारे में आपको सीखा जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो 11th में है वहां आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम ये बात आपको समझ में आया कि जो स्लोप होता है किसका, एसटी ग्राफ का स्लोप होता है वो किसके बारे में जिक्र करता है जी, वेलोसिटी के बारे में जिक्र करता है। तो एक छोटा सा लाइन नोट्स में लिख दिया जाए, देखिए ये तीनों को ग्राफ बनाने के बाद से ये नोट्स में लिख दीजिएगा और इसको आप जो है इसके नीचे या फिर इन दोनों को बनाने तीनों को बनाने के बाद से इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए तो हमने देखा ये कि जो एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देता है जी, हमको वो वेलोसिटी देता है, ठीक है। चलिए ये बात हमने बताया और ये स्लोप के बारे में तो बात हुआ, और एसटी ग्राफ जो है कई तरह का होता है, तीन तरह का होता है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन का, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का और एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट कराता है, तीनों ग्राफ को बता दिए। और उसके बाद से अगर नोट्स में लिखना चाहते हैं तो नोट्स में आप लिख दीजिए कि जो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ ऑलवेज गिव्स क्या देता है जी, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, हमेशा वेलोसिटी के बारे में जिक्र करता है, ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। चलिए इसको नोट्स में लिख लीजिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ खत्म हो गया, ठीक है। अगला हेडिंग करिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मिटा देते हैं। अगला हेडिंग करिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जितना भी चीज ये बात हो रहा है सबके सब किसके बारे में बात हो रहा है जी, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात हो रहा है ना, कुछ भी जो है कर्व मोशन या फिर सर्कुलर मोशन के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हेडिंग करिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसको हम लोग वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। ये एसटी ग्राफ पीछे गुजरा है, ये है वीटी ग्राफ, ठीक है, जिसको हम लोग वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, वीटी ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसको स्पीड टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। कब स्पीड टाइम ग्राफ होगा, जब डिस्टेंस टाइम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर स्पीड टाइम कहेंगे, जहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करेंगे वहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको हम बता दें कि दो तरह का आपको मिलेगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जिसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, और एक जो है आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगा। चलिए तो इसको लिखिए, ये दो तरह का है, पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपसे पूछते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसमें कुछ वेलोसिटी तो चेंज करेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप बोले नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी या तो पॉजिटिव वे में चेंज करेगा या फिर नेगेटिव वे में चेंज करेगा, वेलोसिटी या तो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। तो जो वेलोसिटी में चेंजिंग आता है तो उसको क्या बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन। यहां पर क्या होगा जी, एक्सेलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन यहां होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी अब एक्सेलरेशन में दो तरह का एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो इसका ए नंबर में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और बी नंबर हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब देखिए हमको इसमें तीन तरह ग्राफ को अब देखना है, पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करना है, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमको दो और देखना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जिक्र करते हैं, सबसे पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक एग्जांपल देते हैं। बोल रहे हैं कि ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पे जाता है और वो जो है तय करता है कुछ डिस्टेंस को, ठीक है, यानी एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी ए से बी जाता है तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रहता है, ठीक है, और उसके बाद से वो जब बी से सी जाता है तो इसका वेलोसिटी के अंदर जो है बढ़ोतरी हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अगला एक सेकेंड के बाद से इसका वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर बोले सी से जब डी गया तो इसका वेलोसिटी के अंदर अगला एक सेकेंड लिया यहां से यहां जाने में और इसका वेलोसिटी के अंदर 30 मीटर पर सेकेंड का जो चेंजिंग आ गया, यानी कि इसके एक चीज हम देख रहे हैं क्या चीज कि वो एक सेकेंड में यानी ए से बी एक सेकेंड लिया, एक सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड था, फिर अगला एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, फिर अगला एक सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। एक चीज नजर आ रहा है क्या इसमें कि वो यहां से यहां जब गया है तो इस समय यहां पर इसका वेलोसिटी जीरो था, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एग्जांपल तो यहां से यहां जब गया तो उसके चेंजिंग और कुछ है कि ए से बी चेंजिंग चेंज इन वेलोसिटी जिसको एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजिंग हुआ था, कही अगर 10 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड, 10 में से 0 गया तो 10 मीटर पर सेकंड का चेंजिंग आया। फिर अगर बी से सी और कुछ नहीं कितना का चेंजिंग हुआ तो कहिएगा कि यहाँ पर उसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया है ना, जब यहाँ से वो जब यहाँ गया तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर ये बी से सी गया है तो वेलोसिटी के अंदर उसका चेंजिंग आ गया है ना, ज्यादा समय उसके वेलोसिटी का चेंजिंग आया 20 मीटर पर सेकंड हो गया है। तो अगर हम उसे पूछते हैं कि कितना चेंजिंग हुआ है सी पॉइंट पर तो कहिएगा कि यहाँ पर 10 था, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ से 10 से 11, 12, 13, 14, 20 हो गया, फिर 20 से 30 हुआ है, तो C पॉइंट पर कितना चेंजिंग हुआ तो कहिएगा कि 20 माइनस 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड का चेंजिंग हुआ। फिर यहाँ पर से C से D गया है तो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 20 था तो 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकंड का चेंजिंग हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, यानी ऐसे वेलोसिटी को हम कहेंगे कि क्या चीज, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है बल्कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग तो आया है जो, लेकिन वो यूनिफॉर्मली चेंज हुआ है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हमने बताया, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताना है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हमने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर इसका एग्जांपल बोले तो कहेंगे कि ए पॉइंट पर गया और बी पॉइंट से बी गया, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था और बी से सी गया तो एक सेकंड के बाद से उसका जो वेलोसिटी है एक सेकंड के बाद से वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहा, ठीक है। और सी से जब डी गया तब भी इसका वेलोसिटी एक सेकंड के बाद से कितना रहा जी, एक सेकंड के बाद से इसका वेलोसिटी रहा 10 मीटर पर सेकंड ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पर देख रहे हैं इसका वेलोसिटी फिक्स है, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, जो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम बोलते हैं। तो अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करें, देखिए हम बोलते हैं कि जो ये टाइम है, ये टाइम इस पर हम हमेशा एक्स एक्सिस पर टाइम को रखते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। टाइम को हमने सेकंड में रखा है और इधर को है, और इधर की तरफ वेलोसिटी को रखा है जो कि मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, और इधर को है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि ये एक सेकेंड है तो बोले ये एक है, ये दो है और ये तीन है ना, एक दो तीन, और इधर को बोलते हैं ये 10 है, ये हमारे पास 20 है और ये 30 है, यानी एक सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना रहा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला एक सेकंड में यानी कि जब 2 सेकंड यहां से यहां 2 सेकंड हुआ था तो उसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो यहां पर है, ठीक है। और हम बोले कि यहां से यहां 3 सेकंड लिया है, उसका वेलोसिटी अभी 30 सेकंड बाद कितना है, 3 सेकंड के बाद से उसका वेलोसिटी कितना है, तो कहिएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा ये यहां पर, तो अगर इसको मिलाते हैं तो हमको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। तो पता क्या चला, पता ये चला कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, लेकिन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मिलेगा, ये भी कंडीशन समझ में आया। और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के बाद से एक चीज इसमें देखना है कि अगर हम इसका वीटी ग्राफ का एरिया निकालते हैं, ठीक है, वीटी ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में जिक्र करेंगे हम जब तीनों को पढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको देखा जाए, देखिए हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने कहा कि वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में, तो हम लिख देते हैं यहां पर नोट में करके आप लिख लीजिए कि ग्राफ ऑफ वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो होगा बट
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ये नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं यू नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको दो तरह का मिलेगा, एक जो है आपको मिलेगा क्या चीज, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए, मिटा देते हैं इसको। चलिए अगला हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही है आपको पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दो का एक नंबर, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दो का एक नंबर जिसको हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए जी, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन अपने से पैदा हो जाता है, जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट ना रहा, वेलोसिटी ही चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया है। एक्सेलरेशन का मतलब ये रहा कि उसमें दो तरह का एक्सेलरेशन आया होगा, या तो वेलोसिटी जो है एक खास रेट में तय कर रहा है, चेंज कर रहा है, जिसमें एग्जाम्पल पीछे देख चुके हैं, है ना, खास रेट में वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ रहा है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और हो सकता है कि वेलोसिटी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसके बारे में बात करेंगे कि करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फला देखा जाए। देखिए जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम एग्जांपल हम बताए थे, इसको देख लीजिए। अगर बोले कि फिर से बताते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए से बी जाता है, ठीक है, ए से बी जाता है, और बी जो जाने में उसने एक सेकेंड लिया है, ठीक है, और एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रहा, यहाँ से यहाँ जब गया ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ता गया, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, और यहाँ से बढ़ता गया, यहाँ पर जाकर 10 मीटर पर सेकंड हो गया है, ठीक है, और बी से जब सी गया है, ठीक है, तो वो 1 सेकंड लिया है, ठीक है, 1 सेकंड लिया है, और 1 सेकंड में यहाँ पर उसके 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी हो गया, ठीक है, कितना हो गया जी, यहाँ पर उसको 10 मीटर पर सेकंड हो गया है, और यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ 20 मीटर पर सेकंड हो गया, इसको साफ साफ लिख दें ताकि आपको नजर आए, 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और यहाँ से जब गया तो सी से डी गया, तो सी से डी जाने में उसने 1 सेकंड लिया जी, ठीक है, और 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू किया, और यहाँ पर आपको कितना मिल गया जी, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अगर आपसे पूछते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो कहिएगा कि यहाँ 0 था या 10 हो गया, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछा जाए, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर अगर चेंजिंग पूछा जाए, तो कहिएगा 10 मीटर पर सेकंड, यही चेंजिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है, चेंज इन वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन कितना है, तो बोलिएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर एक सेकंड में उसके वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, तो ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वी माइनस यू बाई टी, टी बोलो देख सेकंड, यही तो स्क्वायर में बदल गया, नीचे आ जाएगा तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि एक्सेलरेशन क्या है, फिक्स है, यहां भी फिक्स है, यहां भी फिक्स है, यहां भी फिक्स है, देख लीजिए, 20 में से 10 गया 10, 10 बटा में 1, 10 मीटर पर सेकंड, 30 में से 20 गया 10, 10 बटा में 1, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम बोलेंगे यहां पर कि ये वेलोसिटी जो है ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल रहे हैं ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है जी, तो वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहां पर लेकिन ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, तो वीटी ग्राफ, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इससे पहले एसटी ग्राफ था लेकिन एसटी ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम था, यहां पर वीटी ग्राफ में आपको वी और टी मिलेगा, ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि VT ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो हमने कहा कि इधर की तरफ आपको टाइम मिल जाएगा जो कि सेकंड में है, और इधर की तरफ आपको वेलोसिटी मिल जाएगा जो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, और यहाँ पर 0 0 आपको मिल जाएगा, ओरिजिन पर 0 0 मिल जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक सेकेंड कितना सेकेंड है, 3 सेकेंड है, लिख देते हैं यहाँ पर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है
और ये चार है, ठीक है। और इसका जो है अगर हम कहते हैं तो यहां पर अगर बोलते हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40, ये आपको समझ आया होगा। तो देखिए अगर आपसे कहें हम कि एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना रहा था, ठीक है, एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना रहा था, तो यहां से इसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुआ है। एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना रहा है जी, 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर यहां से वो एक सेकेंड लिया है, यानी यहां से यहां दो सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितना रहा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये रहा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगर पूछे यहां से यहां वो 3 सेकेंड लिया है, तो 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितना रहा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो कितना रहा है, हम बोल रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यहां पर ऐसे है, तो हम देख क्या रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वो खास रेट में बढ़ रहा है, और इसका ग्राफ जो आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, नजर आ रहा है क्या। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज मिला है क्या, तो वीटी ग्राफ अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मिल जाए, वीटी ग्राफ आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मिल जाए, वीटी ग्राफ है ना, और वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में है, एक्सेलरेशन उसी वक्त होगा जब नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो बोलेंगे वीटी ग्राफ जब जो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाए, वीटी ग्राफ जब आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये किसका है ग्राफ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है। तब जब वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाए तो वो क्या होगा, इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो रहेगा है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के साथ से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा जी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, नजर आ रहा है क्या, ये इतना ही था 45 डिग्री का एंगल बनाएगा है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो हमेशा जो होगा वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा कि वो ओरिजिन से पास किया है ना, तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन इसको लिख सकते हैं, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन रहेगा, और विद 45 डिग्री एंगल इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए, वीटी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, इस तरह से ये हो गया आपको, जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, मिटा देते हैं इसको हम, चलिए इसको मिटा दें हम, चलिए मिटा देते हैं। अगला है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए जी नॉन यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है ना, जो कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो देखिए वीटी ग्राफ जो है आपको हम बताएं कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन से ही पास करे, आप समझिएगा है ना, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन से पास करे, बस हमने बता दिया है कि वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा है ना, वीटी ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि एक ऐसा वीटी ग्राफ है जिसका वेलोसिटी घटते जा रहा है ना, पहला सेकंड में इसका यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और एक सेकंड लिया है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड था, और फिर यहाँ से यहाँ गया, ये ए से बी गया है और बी से सी गया है, और एक सेकंड बाद इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया, और फिर सी से डी गया है, तो डी एक सेकंड के बाद से इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया, बाद में 0 हो गया, ठीक है। तो इसका कैसा ग्राफ होगा, तो कहिएगा देखिए यहाँ पर 1 और ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल गया 10 और यहाँ पर मिल गया 20 और यहाँ मिल गया आपको 30, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए हम दिख रहे हैं, चलिए इसको आप उतार ही लीजिएगा, साफ लिख देते हैं, ये 30 है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको डी पॉइंट मिलेगा, ठीक है, इसको आप साफ से उतार लीजिएगा, हम यहाँ उतार लिख दीजिए इसलिए बता दे रहे हैं। तो अगर बोले कि एक सेकंड बाद, एक सेकंड में उसका 0 सेकंड है, यानी कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट इसके यहाँ है, इसका वेलोसिटी कितना था, तो जब 0 सेकंड का मतलब ये हुआ कि इस समय इसके वेलोसिटी यहाँ था, पहला पॉइंट तो मिल गया यहाँ पर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, क्या जी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इनिशियल स्टेट में इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड यहाँ था, फिर वेलोसिटी घटता गया और जो है एक सेकंड बाद से इसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड, तो बोलेंगे ये है, ठीक
ठीक है। और फिर जो है अगला एक सेकंड बाद से इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यहां से यहां जो है 2 सेकंड बाद जो इसका वेलोसिटी कितना हो गया जी 20 मीटर, यहां से यहां जो गया यहां पर 20 मीटर प्रति सेकंड था, उसके बाद से यहां पर उसका वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, है ना। उसके बाद से यहां पर इसका वेलोसिटी कितना हो गया जी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये 30 मीटर प्रति सेकंड यहां पर है, 20 मीटर प्रति सेकंड यहां पर है, और 10 मीटर प्रति सेकंड यहां है, ठीक है। और यहां पर इसका वेलोसिटी डी पॉइंट पर कितना हो गया जी, इसका 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ बी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी जो है 1 सेकंड बाद से 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया है, फिर सी पॉइंट पर यानी कि अगर यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड लिया, 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया जी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकंड लिया है, तो 3 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। 3 सेकंड बाद टाइम तो 3 सेकंड लिया है और वेलोसिटी घटता गया, ये निरंतर वेलोसिटी है ना जी, वेलोसिटी है तो घटता गया वेलोसिटी कितना हो गया 3 सेकंड बाद 0 हो गया। तो इसको मिलाएंगे हम तो स्ट्रेट लाइन ही तो मिला है, देखिए स्ट्रेट लाइन मिला है, तो ये वेलोसिटी जो है ये कर्व नीचे की तरफ ड्रॉप किया है, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो बस इतना ही हमको याद रखना है, क्या चीज कि वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, हमको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये आपको क्या हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, आपको बताया था ना जी नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन आप चेक कर लीजिएगा आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना, 20 - 30 - 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना मिला आपको 20 - 30 दैट इज -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर क्या था जी, यहाँ पर आपको मिला ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको मिला जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना, इधर भी है इधर पर टी है, तो ये चीज आप बता दीजिए, है ना, ये और ये दोनों आप बता लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम बता दीजिए। चलिए अगला टॉपिक है, इसको मिला दीजिए ताकि हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखा जाए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पढ़ना है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कभी एक जैसा नहीं आता है, कैसे आता है इसी के लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, एग्जाम्पल मान लीजिए अभी बाइक उठाया कोई आदमी बाजार में लेके घुस गया, तो बाइक कभी बढ़ेगा कभी तेज होगा कभी धीमा होगा, कभी लोग मिलेंगे कभी खाली मिलेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहां पर हो रहा है, एक्सेलरेशन तो वहां भी हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो हो सकता है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिले, आपको बता दें ऐसे मिले फिर 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 ऐसे मिले, इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं आएगा, टाइम तो घटता रहिए ना, टाइम इधर से घटता नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, है ना, ये ऐसे मिलेगा, है ना, ऐसे ऐसे मिल जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है ना जी, इसलिए वो नीचे तक जो आएगा जरूर लेकिन अंदर नहीं घुसने वाला, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। इधर की तरफ आपको क्या है टाइम है, और इधर की तरफ क्या है वी है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है जी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सिर्फ ऐसा ही नहीं मिलेगा, कर भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, कुछ ठिकाना नहीं है, बाइक वाला जिस तरह से घुमा दे, ठीक है। तो आप जो है इसको लिख लीजिए, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा ग्राफ। आगे देखिए कुछ बात है इसमें, ये वीटी ग्राफ के बारे में जिस तरह से हमने एसटी ग्राफ में स्लोप के बारे में जिक्र किया था, इस तरह इसमें कुछ बातें हैं, है ना, इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए जी आपको हम बता दें कि जो वीटी ग्राफ है उस वीटी ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिले, ठीक है। तो जब वीटी ग्राफ का जो एरिया निकलेगा तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसे मिलेगा इसको देख लीजिए, अगर हम बोले कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं, पहला नंबर जो हम बात किए थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या था कॉन्स्टेंट था, ठीक है, इधर तरफ टी है इधर तरफ भी है, वेलोसिटी कांस्टेंट था, ये भी अगर बोले वेलोसिटी तो बिल्कुल भी ही है, ठीक है। इधर जो है टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम तो बढ़ेगा ही, इधर वेलोसिटी को है लेकिन वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, वेलोसिटी फिक्स है, तो ये हमारे पास क्या है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। पैरेलल वहां पर वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपको पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोलना जरूरी है, ठीक है, लेकिन वहां पर कहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहां पर सिर्फ पैरेलल सिर्फ बोलेंगे स्ट्रेट लाइन और कुछ नहीं। तो यहां पर आपको वीटी ग्राफ मिल गया, अगर आपसे कोई पूछता है कि यहां पर वो 1 सेकंड था, ठीक है, और यहां पर वो 2 सेकंड था, ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पर जो है वो
अगर आप बोलते हैं कि यहाँ पर वो 10 मीटर था, है ना, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, 10 था मान लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, इसका वेलोसिटी, तो चेंजिंग तो इसमें 10 मीटर पर सेकंड कहीं मिला है आपको, है ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ 10 है, फिर यहाँ से 20 है, तो इसका मतलब ये कि हर एक सेकंड बाद उसका वेलोसिटी फिक्स है, 2 सेकंड बाद फिक्स है। तो आपसे कोई पूछता है कि आप हमको बताइए कि 2 सेकंड बाद उसने कितना दूरी को तय किया है, है ना, ये 2 सेकंड बाद कितना दूरी को तय किया है, तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको एरिया अंडर कवर्ड बाय वीटी ग्राफ, एरिया जो वीटी ग्राफ का जो एरिया है यही है, ठीक है, एरिया अंडर कवर्ड वीटी ग्राफ, इस एरिया को फाइंड कर दीजिए, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। अगर बोले यहां पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 सेकंड, ठीक है, अरे 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को तय किया या डिस्टेंस कितना तय किया, तो कहेंगे यहां पर क्या चीज, एरिया अंडर कवर्ड बाय वीटी ग्राफ, है ना, वीटी ग्राफ का एरिया उसने कितना तय किया है, देखिए ये भी है ना, ये भी है, तो वीटी ग्राफ के अंडर में 2 सेकंड में वो कितना एरिया को तय किया है, वही उसका क्या हो जाएगा जी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अगर हम एरिया बोलेंगे तो यहां से यहां उसका ये क्या है जी, रेक्टेंगल है, एक तरह का रेक्टेंगल है, यहां से यहां क्या चीज, इसका एल कितना है, 2 हो गया ना, बोलेंगे कि एरिया इक्वल टू में एल इंटू में बी, ठीक है, तो एल कितना है, 2, यहां से यहां कितना है, लेंथ इसका 2 है, ठीक है, इंटू में बी कितना है जी, बी, बी बोले तो यहां से यहां 20 है, तो ये हो गया 20, यानी कि 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया, ठीक है। ये ऐसे हमने बताया, ये फॉर्मूला है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, किसका, अगर वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वीटी ग्राफ आपको दिया रहे, सिर्फ वेलोसिटी टाइप ग्राफ दिया रहे, उसके बाद से कहे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना जो है दूरी तय किया है, डिस्प्लेसमेंट उसका निकालिए, तो आप इसके पास वीटी ग्राफ का एरिया जो निकाल लीजिएगा, जितना देर में बोले उतना देर का आप एरिया निकाल लीजिएगा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप जो है निकाल सकते हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहां से यहां वो जो है 10 मीटर पर सेकंड से इसका जो है, इसके 20 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है कितना है, यहां पर 20 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है, ठीक है, और 2 सेकंड में उसने कितना दूरी तय किया, अगर ऐसे हम कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि उसका वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, देखिए फिक्स है ना जी, वेलोसिटी हर एक सेकंड में इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, v फिक्स है, और t इक्वल टू दिया रहा है 2 सेकंड, दिया ना 2 सेकंड में कितना जो डिस्टेंस को तय करेगा, क्वेश्चन तो ये ना था कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, तो 1 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है इसका वेलोसिटी, का मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, तो 2 सेकंड में 40 मीटर जाएगा, ये एक तर्क हो गया। दूसरा अगर हम बोले यहां पे s इक्वल टू vt, फार्मूला s इक्वल टू vt है ना, डिस्टेंस इक्वल टू ना स्पीड इनटू में टाइम, है ना, फार्मूला आप लोगों ने 4-5-6 वगैरह में पढ़ा होगा, तो यहां पर v दिया 20 इनटू में t दिया 2, कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है। तो इसको अगर आपको समझ में आता है तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमको फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये तो मैथ है, फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में ये चीज आपको जानना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है अगर आप निकालना है, अगर आपके पास वीटी ग्राफ दिया हुआ है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, उतना टाइम इंटरवल में आपको उसका एरिया निकाल दीजिए वीटी ग्राफ का, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल गया। चलिए इसको आप देख चुके होंगे, अब दूसरा देखते हैं, ये तो हो गया यूनिफॉर्म के लिए, ये किसके लिए था, यूनिफॉर्म के लिए। अगर हम बोले कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का था, अगर हम आपसे बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का में आप बताइए, ठीक है, वीटी ग्राफ का आप जो है एरिया निकाल करके, तो अगर हम बोलेंगे आपसे कि ये रहा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है, वीटी ग्राफ ही है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे मिले या ऐसे मिले, तो अगर हम इसका अगर हम निकालना है, तो ये यहां से यहां अगर हम बोले कि 1 सेकेंड है, फिर यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड है, और फिर जो है अगर बोलते हैं ये 10 है और इधर बोलते हैं 20 है, तो अगर आप जब आगे 30 होगा, ठीक है, ये 30 है, तो ये हमारे पास इधर भी है और इधर तरफ टी है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि भाई 2 सेकेंड बाद यहाँ पर आप निकाल के दिखाइए कि कितना जो एरिया तय किया है, तो क्या कहिएगा कि 2 सेकेंड बाद, यानी कि ये रहा हमारे पास 2 सेकेंड, ठीक है, और 2 सेकेंड में मान लीजिए कि वो 30 मीटर की डिस्टेंस को तय किया एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना, मान लीजिए कि ये 30 मीटर तय किया, ये हमारे पास 10 है
और ये 20 है तो ये 30 होगा, ठीक है। तो अगर हम पूछते हैं आपसे कि 30 मीटर के डिस्टेंस को, 30 मीटर वेलोसिटी है इसका, 30 मीटर 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गया है ना, वेलोसिटी है आपका, टाइम है, तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गया है, तो बोला जा रहा है कि आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालिए कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड अगर निकालने के बारे में बात कर रहा है, तो अब क्या कहेगा, एरिया अंडर कवर्ड इन वीटी ग्राफ, ठीक है। वीटी ग्राफ में अगर आप कहें कि एरिया क्या कवर किया है, तो कहिएगा कि जो 2 सेकंड बाद जो एरिया उसने तय किया है, वीटी ग्राफ का ये ना है, हमारे ग्राफ ये थोड़े है, ये पार्ट नहीं है ग्राफ का, ये पार्ट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना टी टाइम में, और ये हमारा ग्राफ है, तो उसने ये एरिया को कवर किया, ठीक है, ये नहीं किया है, अंधा रह गया, आप इसको मत कहिएगा ये टोटल एरिया, नहीं, एक्स एक्सिस के साथ है ना जो ग्राफ के साथ जो एरिया कवर हो रहा है वही हमारा एरिया है, तो ये एरिया कितना कवर हुआ, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल साफ साफ नजर आ रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट फॉर्मूला है ना, तो हाफ इक्वल टू में तो ये हाफ रहेगा ही, बेस इसने कितना तय किया तो 2 है ना, इंटू में हाइट कितना तय किया है तो 30, इधर को 30 है तो जाहिर सी बात है ये भी 30 ही होगा, तो हम 30 कर दिए, ये 2 खत्म हो गया, तो 30 मीटर जो है इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, बात समझ आया क्या, तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे फॉर्मूला को ड्राइव करने, इसको याद रखेंगे, तो ये रहा जो है आज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये खत्म हो गई, हमको इसमें सीखने को क्या मिला, इसको आपको रिवाइज करा दें, आपको देखिए इसमें हमको सीखने को क्या मिला, सीखने को मिला ये 2 सारा चीज मिला आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में आपको जो सबसे पहला आपको मिला एसटी ग्राफ, ठीक है, एक बार रिवाइज कराते हैं, है ना, इसको मिटा दें, एसटी ग्राफ, तो एसटी ग्राफ क्या है, एसटी ग्राफ जो है आपको कोई पूछे कि एसटी ग्राफ जो है क्या देता है आपको, एसटी ग्राफ का स्लोप, एसटी ग्राफ जैसे ही आएगा तो हम कहेंगे क्या कि जो है एसटी ग्राफ 2 तरह का होगा, एक यूनिफॉर्म जो है मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या, तो एसटी ग्राफ स्लोप उसके बारे में बात करेंगे, तो एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको कभी भी वेलोसिटी ही देगा, ठीक है। और एक चीज इसमें और छूट गया, उसको बता देते हैं, उसकी बात करते हैं, और बोलेंगे वीटी ग्राफ का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, ठीक है, एसटी ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, ठीक है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो कहते हैं अगर ये हमारे पास वीटी ग्राफ है, ठीक है, और ये यहाँ पर वीटी ग्राफ में ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला वीटी ग्राफ है, इधर तरफ आपको वी है और इधर तरफ क्या है जी ये टी, ठीक है, और इसका स्लोप अगर निकालते हैं हम, तो स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जी, हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है ये एंगल है, अगर इसको हम एक्स कह रहे हैं अगर, तो हमको निकालना है इस एंगल का स्लोप, तो ये हमारे पास पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो स्लोप निकालने के लिए पी बाई बी, यही ना है, पी अगर कहेंगे इसको तो बी इसको कहेंगे, तो पी बाई बी हो जाएगा स्लोप निकालने के लिए, तो अगर हम कहें कि यहां से यहां इधर की तरफ आपको भी है, तो अगर बोले कि ये टोटल यहां से यहां भी हो गया, पी जो है भी बन गया, यानी परपेंडिकुलर बोले तो ये भी हो गया, ठीक है, और बेस बोलो तो यहाँ पे यहाँ टी है, तो इसको हम टी कर दिए, ये तो खैर टी है ही लगता, इधर टाइम है ही आना, इधर भी है, इधर का वेलोसिटी है ही, ठीक है, चलिए, तो अगर हम पूछते हैं कि इसका स्लोप क्या देगा, तो कहिएगा स्लोप इक्वल टू में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी कि वी बाई टी, तो हमने देखा कि स्लोप जो है वी बाई टी किसके बारे में बात कर रहा है जी, एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, यू माइनस वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, यही ना एक्सेलरेशन है जिसको हम एक्सेलरेशन कह रहे थे, तो वी माइनस यू यानी वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी मिलेगा और टी, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू वी बाई टी, यानी कि स्लोप क्या देगा हमको, तो कहिएगा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है, तो नोट्स में यहां लिख दीजिए, नोट्स में लिख दीजिए कि द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देता है जी, गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है, वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है, ये बात समझ में आया, तो हमने देखा क्या चीज, हमने देखा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में कि आपको सबसे पहले मिला एक्सटी ग्राफ, जिसको हमने एसटी ग्राफ, जिसको हमने बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
तो एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको एसटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप के बारे में पूछेंगे ना तो एस बाई टी कर दीजिएगा तो आपको ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा, है ना, एसटी ग्राफ है। और बोलेगा वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है तो वी बाई टी कर दीजिएगा तो आपको एक्सेलरेशन देगा। ये चीज अगर याद रहेगा तो आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। एस बाई टी एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी खत्म हो गया, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चन है जो दिया हुआ है आपको, उसको देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेज नंबर ये एनसीईआरटी पेज नंबर 107 का कुछ क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन में लिखते हैं। देखिए अगर कोई एक क्वेश्चन मिला है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब याद कीजिए अभी हम बात किए हैं, क्वेश्चन बोला है पहला नंबर, ये पेज नंबर किसका है जी 107 का, ये ब्लू कलर में जो दिया हुआ उसी का हम जो है आंसर लिख रहे हैं। पेज नंबर 107, पेज नंबर 107 इसका पहला क्वेश्चन है, बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए बात हो रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी एसटी ग्राफ के बारे में बात हो रहा है। आपको बोल रहा है कि आप बताइए एसटी ग्राफ के बारे में बताइए, उसका नेचर क्या होगा, जब वो एसटी ग्राफ क्या हो जाएगा जी, यूनिफॉर्म हो जाएगा। किसके लिए, पहला बता रहा है कि आपको यूनिफॉर्म के लिए बताइए, और दूसरा बता रहा है कि आप एसटी ग्राफ के बारे में ही जिक्र कीजिए, एसटी ग्राफ के बारे में ही बात कीजिए, और ये किसके लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए। किसके लिए जी, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म में उसका ग्राफ का नेचर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में और यूनिफॉर्म में एसटी ग्राफ का ग्राफ का नेचर क्या होगा। देखिए एक यूनिफॉर्म में मतलब ये हुआ कि उसका डिस्टेंस जो है खास रेट में तय कर रहा है, टाइम के हिसाब से उसका डिस्टेंस वो तय कर रहा है, तो वो खास जो डिस्टेंस को तय कर रहा है, यानी एक सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, फिर अगला एक सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, ठीक है, फिर अगला एक सेकंड में 10 मीटर जा रहा है। तो आप अगर कहते हैं आपसे इसका एग्जाम्पल अगर बोल रहे हैं कि ये ए से बी गया और जाने में एक सेकंड लिया है और जाने में 10 मीटर के डिस्टेंस को तय किया, ए से बी जाने में, ए से बी जाने में एक सेकंड लिया है और 10 मीटर के डिस्टेंस को तय किया, ठीक है, और फिर वो बी से सी गया है उस समय भी एक सेकंड लिया है और 10 मीटर के डिस्टेंस को तय किया, यानी अगर हम बोले ए से सी कितना टाइम लिया है तो 2 सेकंड लिया है और कितना डिस्टेंस को तय किया है तो वो 20 मीटर डिस्टेंस को तय किया है, तो कहेंगे इसका ग्राफ हम बना चुके हैं, तो इसका ग्राफ आपको पता है स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है इसका ग्राफ जी, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। एक इसका ग्राफ है, ये एसटी ग्राफ है, एस इधर है और इधर कब टी है, वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसका ग्राफ का नेचर कोई पूछेगा तो कहिएगा नेचर इक्वल टू है, नेचर क्या होगा जी, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेगा स्ट्रेट लाइन, एस टी आर ए आई जी एस टी, नेचर क्या होगा जी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये किसका है, यूनिफॉर्म के लिए। उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म के लिए एसटी ग्राफ का क्या बताइएगा, तो ये कर्व हम बताए ना शुरुआत में, बता दीजिए कि कर्व होगा, ये इधर का केस है, इधर का टी है, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा इसका नेचर, बोलिएगा कर्व, कर्व लाइन, ठीक है, बोलिएगा कर्व लाइन, कर्व लाइन, और ये बोलेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन देखिए इसका बोला है, मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस एंड ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल है,
बोला है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये क्वेश्चन नंबर टू है। बोला है कि व्हाट कैन यू से, अब क्या कहिएगा अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक मोशन ऐसा है व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है जी, अगर बोले इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो इधर का डिस्टेंस इधर का टाइम है, बता रहा है कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में आप क्या कहिएगा, तो हम बताएंगे कि टाइम के हिसाब से टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, अगर 10 मीटर का डिस्टेंस है 10 मीटर पे, एक सेकंड बाद उतना ही है, दो सेकंड के बाद से उतना ही है, तो कहेंगे कि ये क्या है जी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या वही है जहां था, तो कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, क्या जी ऑब्जेक्ट क्या जी, रेस्ट में, कहेंगे द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, क्या क्वेश्चन आया ना जी, पीछे भी बताया, तो ये क्वेश्चन नंबर ये 2 के आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट द टाइम एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड टाइम ग्राफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, क्वेश्चन नंबर 3 स्पीड टाइम ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देखिए जी ये कह रहा है कि क्या कहिएगा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इन सेकंड, स्पीड टाइम ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन मिल जाए, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ इधर की तरफ v है इधर का t है, तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर आपको मिल जाए तो इसके बारे में आपको क्या करना है, तो कहिएगा कि भाई ये किसका है स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो v हो गया, वी टी ग्राफ के बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ मतलब क्या है, v हो गया t हो गया, तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस का मतलब ये हुआ कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जहां है वही है, 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पर वेलोसिटी है तो 5 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड बाद भी उतना है, दो सेकंड बाद भी उतना है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किसके बारे में बात हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, पीछे जाकर देख लीजिए इसके बारे में बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 4 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया कोबाइड, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, बोला है व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड by the area occupied below the velocity time graph, ठीक है,
बोला है कि वेलोसिटी टैंक ग्राफ का बोला है व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टैंक ग्राफ, यानी वेलोसिटी टैंक ग्राफ के अंडर का जो एरिया ऑक्युपाइड है, अगर हम बोले आपसे कि इधर v है इधर t है, तो वेलोसिटी टैंक ग्राफ ये है, इसके अंडर का जो एरिया ऑक्युपाइड है, ये एरिया ऑक्युपाइड आपको क्या मेजर करके देता है, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच मेजर द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टैंक ग्राफ, यानी वेलोसिटी टैंक ग्राफ के नीचे जो एरिया ऑक्युपाइड है वो आपको क्या मेजर करके देता है, तो हम बताए थे ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है, क्या जी? तो हम कहेंगे कि जो एरिया जो है एरिया ऑक्युपाइड अंडर वीटी ग्राफ गिव्स क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड, सॉरी अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस देगा, और वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है? आपको बारे में बात हुआ था। और ये कैसे देता है आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम बोले कि इसका एरिया निकालना है और इधर की तरफ वी है इधर की तरफ टी है, तो मान लेते ये टी है और ये वी है, समझिएगा इधर की तरफ टी है, ये यहां से यहां टी है मान लीजिए, और ये यहां से यहां जो है वी है, तो हम कहते हैं कि अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर हम बोले ये हमारा ए है ये बी है और ये सी है, तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कहेगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो हाफ और बेस कितना है तो बेस तो हमारे पास टी है, ठीक है, इंटू में हाइट कितना है तो टी, तो हाइट तो भी है, तो ये हाफ का तो कोई यूनिट होता नहीं है, कॉन्स्टेंट है। हाँ, हमको पता है कि टाइम का यूनिट सेकंड होता है और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है ना, होता है ना जी, तो सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास मीटर, तो हम कहेंगे ये मीटर किसका यूनिट है भाई, तो ये तो डिस्टेंस का यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है या फिर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, बात समझ में आया क्या? इसीलिए हमने कहा कि जो एरिया देता है किसका वीटी ग्राफ के अंडर में, वो वीटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है, जिसको मीटर यूनिट है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने आज जो है बहुत कुछ सीखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिसको हम बोले, और जो है वीटी ग्राफ सीखे, उसका स्लोप के बारे में जिक्र किए, उसका एरिया अंडर कवर को हम जिक्र किए, और अगले क्लास में जो है आपको देखा जाएगा एक नया टॉपिक है आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, यानी कि ग्राफिकल मेथड से मोशन का इक्वेशन है, तीन तरह का मोशन का इक्वेशन है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस टू एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको दो मेथड से चेक करेंगे, एक ग्राफिकल मेथड एक एनालिटिकल मेथड, दोनों मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है? ये ग्राफिकल मेथड जो हमने सीखा है इसके हम से इसको प्रूफ करेंगे तीनों को, और एक है एनालिटिकल मेथड से दोनों को, तीनों को प्रूफ करेंगे, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।